इसको भाई लॉन्चर से ही मारना पड़ा डिमिट्री लगा के। ले गया भाई ज़ेबी आशफ। Assalamualaikum guys, it's me GM again, एक brand new video में सभी को welcome। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैरियत से होंगे। आज हमारे गेम के अंदर आए थे ज़ेबी FF, जो कि भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले खेल रहे होते हैं पाकिस्तान सर्वर के अंदर। बहुत बड़ा नाम है यहाँ पे। तो भाई आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक देखना है कि आपका भाई उससे मरा है या मारा है, क्या सीन हुआ है। जैसा आप लोग सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ, बट ट्विस्ट जो है ना वो एंड लेवल। चेक करो ज़ेबी का यहाँ पे किल आ चुका है, 400K इसने लिखा हुआ है, और ये वाला वीडियो जो ना उसने YouTube के ऊपर अपलोड भी किया हुआ है। बिल्कुल भाई ओरिजिनल वाले थे। काफी सारे बोल रहे होते हैं कि बंदे ओरिजिनल नहीं है फलाना ढिमकाना, बट ओरिजिनल वाले ही थे। तो मजे का वीडियो होने वाला है, एंड तक लाजमी से देखना है। यहाँ पे हम लोग उतरे थे, एक से एक किल हम लोगों ने डन कर लिया है। काफी सारे लोगों को पता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता भाई मैं बताता चलू, हमारी लैंडिंग हमेशा पीक के ऊपर ही होती है। अगर कोई बंदा मैच मेकिंग वगैरह करते हैं तो भाई पीक के ऊपर उतरा करो, ज्यादातर चांसेस होते हैं कि हम लोग पीक के ऊपर ही उतरते हैं। और जो मेरा गेम का टाइम है वो मैं आप लोगों को बताता चलू, सुबह मैं 10 बजे उठता हूँ और 11 बजे के बाद तकरीबन गेम कभी भी मैं स्टार्ट करके खेल रहा होता हूँ। और रात को तकरीबन 1-2 घंटा मैं तकरीबन 6 से 8 के बीच नहीं खेल रहा होता, उसके बीच भाई 9 से लेके 12-1 बजे तक फिर खेलते रहते हैं। तो ये मेरा गेम का टाइमिंग। यहाँ पे एक और बंदा आया, इसको पकड़ते हैं, 2 शॉट इसको जरूर कराए थे। तो अगर कोई बंदा मैच मेकिंग मेरे साथ करना चाहता है तो भाई इन टाइम के अंदर गेम स्टार्ट किया करो। गया, ये वाला भी गया। इन टाइम के अंदर गेम स्टार्ट किया करो, और आप लोगों की जो लैंडिंग है ना वो पीक के ऊपर होनी चाहिए, तो ज्यादातर चांसेस हैं कि आपको मैं उस गेम के अंदर मिल ही जाऊंगा। ये उन लोगों के लिए जो भाई कमेंट कर रहे होते थे। तो 3 किल यहाँ पे हम लोगों ने डन कर लिए हैं। तीनों जो अपने साथ प्लेयर है वो रैंडम है, यानी कि स्क्वाड इतना अच्छा तो नहीं कहूंगा, रैंडम प्लेयर थे भाई। इनका रैंक वगैरह भी कोई खास नहीं था, लेकिन आपके भाई ने भाई सिर्फ ज़ेबी FF को मारने के लिए भाई इन भाइयों की कितनी मिन्नतें तरले करने पड़े थे ना, वो मैं क्लिप अपलोड नहीं है, वो क्या बोलते हैं रिकॉर्ड नहीं करा, वरना अपलोड करके दिखाता। यहाँ पे एक बंदा है सामने की साइड। ओए भाई साहब, ये वही प्लेयर है भाई, इसने MP5 दो चिप से मारा है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। तो चलो लूट वगैरह करके गैस दोबारा से हम लोग रिवाइव होके मिलते हैं। ओके गैस, यहाँ पे वीडियो के जो बोरिंग पार्ट थे मैंने स्किप कर दिए, और यहाँ पे 3 किल वही है अपने पास जो शुरू में थे। थॉम्सन है अपने पास और बैजन सामने, एक बंदा अच्छा शॉट कराया इसको, बट ये नॉक नहीं हुआ, तो इसके ऊपर बिल्कुल रश करेंगे। चले जी, गया हीर, यहाँ पे नॉक है, तो हीर का हम लोग यहाँ पे किल कंफर्म कर लेते हैं। इसके साथ जो अपने किल्स की तादाद है वो भी 4 हो चुकी है, और टीममेट्स यहाँ पे सारे खत्म हो चुके हैं। अपने पास सिर्फ एक ही चांस था कि सोलो डेयर लेके हम लोग इनको रिवाइव करा लेते, लेकिन रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाह रहा था। इससे पहले एक गेम में ज़ेबी FF आया था और वो गेम में अपनी लाइट चली गई थी, वो मैंने क्लिप डाला था, लेकिन काफी सारे लोग बोल रहे थे भाई आपकी अपडेट हुई है, ये हुआ फलाना ढिमकाना, उल्टे सीधे कमेंट कर रहे थे। हालांकि मैंने वीडियो के अंदर क्लियरली मेंशन करा था कि भाई लाइट चली गए थे, बट कोई ना इस गेम के अंदर दोबारा से आए, आप चेक करो। ओए 4 किल है अपने पास, और सोलो वर्सेस स्क्वाड हम लोग भी खेल रहे हैं यहाँ से। एक बंदे को अच्छा शॉट भाई, पता चले कि सामने सोलो स्क्वाड आया, तो उसका जो क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल देख के भाई मैंने भी ट्राई करा। यहाँ पे 1100 टोकन जरूर हो गए थे, लेकिन मैंने ट्राई करा भाई यहाँ से हम लोग भी सोलो वर्सेस स्क्वाड ही खेलते हैं बिना किसी को रिवाइव करे। चेक करते हैं भैया, तो सामने की साइड है वो बंदा जिसके पास किंग का आइकॉन है, और मुझे लग रहा था ले जी एक और प्लेयर का किल मिल गया फ्री का, 6 किल यहाँ पे डन। एक और बंदा जिसको काफी तगड़ा आपके भाई ने हेडशॉट कराया था, बट ये बंदा नॉक नहीं हुआ, अब हो गया नॉक। तकरीबन हमारे गेम के अंदर ज्यादातर पीसी प्लेयर आते हैं। एक और नॉक, यहाँ पे किल्स चेक कर रहे हो भाई, यकीन करो फ्री के किल्स लूटे हैं आपके भाई ने, तो 8 किल यहाँ पे डन हो चुके हैं। 20 बंदे अभी तक अलाए हुए, 20+ ही बोलूंगा। और यहाँ पे सामने की साइड चेक करो, अभी भी जोन के अंदर बंदे हैं, तो मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 8 से ज्यादा सुपर मेडिकेटें और 4 से 5 जो छोटी मेडिकेटें थी वो मौजूद थी। तो मैंने यहाँ से ट्राई करा भाई छोटी मेडिकेटें ना, जब तक ये सामने वाले बंदे बाहर नहीं आ जाते हम लोग वो मेडिकेट यूज करते रहते हैं। छोटी वाली खत्म हो जाएंगी तो बड़ी वाली हम लोग यूज करके बाद में जोन में इजिली जा सकते हैं, बट ये स्ट्रेटजी भाई वर्क नहीं करी बिल्कुल भी, इसकी वजह से हम लोग नाकाम रहे थे। ये स्ट्रेटजी भाई फेल हो गई थी अपनी सुपर मेडिकेट वाली। सामने की साइड चेक करो, अभी भी 2 से 3 बंदे शायद हैं जून के अंदर जो के फाइट कर रहे हैं। एक बंदा आ रहा है गाड़ी पकड़ने के लिए,
चलें जी, इसकी गाड़ी तो हम लोगों ने फाड़ दी है और इसका जो किंग का हेलमेट और आइकॉन या जो बोल रहे हैं या क्रोन बोल रहे हैं भाई, वो तो हम लोगों ने देख के इसकी गाड़ी फोड़ दी है और उससे देख के लग रहा था जेब भी है। चलें जी, अच्छा डैमेज। यहाँ पे लॉन्चर हम लोगों ने उठा लिया था, M187 की शॉट ट्राई करे बट वो लगे नहीं भाई, तो इसको भाई लॉन्चर से ही मारना पड़ा डिमिट्री लगा के। ले गया भाई जेबी FF। यहाँ पे गैस कंफर्म हो चुके हैं M79 लॉन्चर से, और इस बंदे ने तकरीबन इस गेम के अंदर 18 से 19 किल करे हुए थे। तो यहाँ से हमारा जो मिशन था वो भाई इनको रिवाइव करना, 18-1900 टोकन थे तो हमने ट्राई करा कि तीनों को रिवाइव कर दिया जाए। सोलो हैंडली आपके भाई ने यहाँ पे मारा है तकरीबन 5 या 6 बंदे, क्योंकि टोटल 3 किल थे जब हमें रिवाइव कराया गया था, तो लूट वगैरह कोई खास मिली नहीं। बाकी उसके अलावा चेक करो अभी भी यही 9 किल हम लोगों ने निकाल लिए, 15 बंदे अलाइव हैं। टीममेट्स को यहाँ पे रिवाइव करा दिया था, 6 से 7 सुपर मेडिकिटें थी। जून में पहुंचने तक मुझे लगा रहा था भाई गाड़ी पकड़ के जाएंगे तो इजीली पहुंच जाएंगे, बट वो स्ट्रेटजी फेल हो गई, सुपर मेडिकिट सारी जाए हो गई भाई इतने छोटे से जोन के अंदर, और गाड़ी लेके भी हम लोग जोन के अंदर नहीं पहुंच पाए।